कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हाय हे गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम देखिए ये पूरा तैयार वैर हो के इतने रात को कहाँ जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह, वो आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, बहुत बड़ी सरप्राइज है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए और मेरे साथ चलिए। तो देख सकते हैं यहाँ हम आ चुके हैं मारवे बीच, जहाँ पे पूरा जुहू चौपाटी जैसा माहौल बना हुआ है। अब यहाँ से हमें जाना है फेरी लेके मनोरी आइलैंड, तो देखते हैं फेरी कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पे चाट, फुचका, पानी, डोसा, जो खाना आपको वो मिलेगा। और फेरी के लिए आपको ऊपर से जाना पड़ेगा, ऊपर से ये जो देख रहे हैं पहाड़, सॉरी पत्थर, पत्थर के ऊपर से। तो यहाँ देख सकते हैं ये व्यू कितना प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पे एक भैया मछली की तलाश में, कोई मछली मिल जाए। और बोट आने में टाइम है, बोट एक ही बोट चलती है वहाँ से, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन पानी काफ़ी साफ दिख रहा है और इसका लहर भी ज़्यादा नहीं है। इसका बोट देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि ऐसा बोट मैंने अभी नहीं देखा है। एक तो देखा है अपना जो हम लोग वर्सोवा जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा कुछ कभी नहीं। इसके ऊपर भी इसका सेकंड फ्लोर भी है, ये देख सकते हैं क्या ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है वहाँ से, फुल लाइटनिंग। और यहाँ से ये पानी के साथ, बोट के साथ हम जाते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी तक बस पहुँच जाएंगे 5 मिनट में हम लोग मनोरी। तो यहाँ से ऑटो लेके अब हम जा रहे हैं रिसॉर्ट। एरिया में पहली बार आया हूँ, काफ़ी अंदर कोई नू रिसॉर्ट भेजा है ना। हाँ हाँ, कोई नू रिसॉर्ट चले गया। काफ़ी अतरंगी इनका, एक रहे दो रहे अच्छा, एक रहे दो रहे, जितना रहे 60 रुपये, तीन रहे 60 रुपये, कितना भी रहे 60 का 60 ही रुपये। तो ये हम आ चुके हैं कोहिनूर होटल रिजॉर्ट में, जहाँ पे आज हो रहा है अनलिमिटेड ट्रैकर्स की तरफ से स्टार गेजिंग एक्टिविटी। उनके तरफ से मैं 2 बार आ चुका हूँ जैसा कि आपको पता है, और ये 3री बार आ रहा हूँ। और ये जो चीज़ वो लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, मतलब कि हमें चांद, सितारे और प्लैनेट्स दिखाएंगे ऊपर, जो आपको नहीं दिख पाएगा। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, मैं पहली बार देखूंगा, तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो मैं आया हूँ, तो लेट्स गो इनसाइड और चलिए मज़ा करते हैं। ये देख सकते हैं आप पे आज जो जो कॉन्स्टेलेशन है उन सब के कुछ फोटो, जो जो चीज़ आज हमें दिखेगा, कैसी पोरिया, ये सब दिखेगा भाई। मुझे अभी तो अभी से वो इतना एक्साइटेड हूँ सब देखने के लिए। यहाँ पे सारे बैनर्स है और यहाँ पे देख रहे सेटअप तैयार हो रहा है। सो हमारे जो अनलिमिटेड ट्रेकर्स के ओनर हैं, जो होस्ट हैं, वो एक प्रोफेशन से डॉक्टर भी हैं। तो यहाँ पे इनका पोस्टर लग रहा है, ये फ्री हार्ट सर्जरी भी करते हैं, तो किसी को करवाना हो तो ये इनका नंबर यहाँ पे है। और ये मलाड, साइन, थाने, कल्याण सब जगह पे होता है, देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है और हेल्प कर रहे हैं लोगों को। तो किसी को भी पैसे की दिक्कत है या किसी भी जगह प्रॉब्लम है, तो इन ये नंबर ले सकते हैं और आगे भी लोगों को शेयर कर सकते हैं। ये देखिए मैं एक बार फिर से नंबर दिखा देता हूँ। सो फाइनली यहाँ पे ये पूरा सेटअप तैयार हो चुका है हमारा, ये टेलीस्कोप देख सकते हैं आप। तो यहाँ पूल में देख सकते हैं लोग काफी मस्ती कर रहे हैं, अमेजिंग रिजॉर्ट है ये, बहुत अच्छा रिजॉर्ट। और आगे जो देख रहे हैं आगे रेन डांस है, वहां पे भी लोग मस्ती कर सकते हैं। तो अगर आपको वीकेंड बनाने का मन है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, काफी इंजॉय कर सकते हैं सैटरडे संडे या कभी भी। और काफी मतलब ये जहाँ पे रात भर गाना बज सकता है। ये देख सकते हैं ये टेलीस्कोप पूरा तरीके से तैयार है, ये है स्टार ट्रैकर्स की तरफ से, काफी बड़ा और काफी अमेजिंग। यहाँ से हम देखेंगे ये जब खुलेगा तो, और काफी अच्छा लगेगा ऊपर की ओर देख सकते हैं ये इसका पूरा। तो ये काफी ज्यादा महंगा होगा और ये जल्दी से हमें मिलता नहीं है, तो ये काफी दूर से मंगवाना पड़ा होगा। देखिए यहाँ पे लग चुका है लिमिटेड ट्रेकर का ये बैनर, एनी ट्रैक 999। सो किसी भी ट्रैक में जाइए, बहुत दूर दूर ट्रैक पे ले जाते हैं, पुणे, महाराष्ट्र का बहुत ज़्यादा हिडन प्लेस। तो आप जहाँ भी जाइएगा सिर्फ 999 में अनलिमिटेड खाना पीना घूमना, और ये बहुत ही अच्छी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगी आपकी। तो कभी भी आपको घूमने का मन हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस कंपनी को डायरेक्ट इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बताइए अभी बेसिक इंट्रोडक्शन हो रहा है, अभी सबका साइलेंस है, सब साइलेंस लीड कर रहा हूँ। और मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्स भी किए हैं हम लोग, स्टार गेजिंग के अलावा ट्रैकिंग भी करवाते हैं, वाटरफॉल भी लेके जाते हैं। तो आप सबको आना है तो आ सकते हैं। सो बिफोर द इवेंट लेट्स डू द इंट्रोडक्शन राउंड। ओके,
Second trip like with Unlimited, and today morning I got this message with where they're tracking this galaxy was about to see. कंपनी स्टार्ट करने का रीजन था, हमने देखा बहुत लोग डिप्रेशन में होते हैं, कुछ लोगों को ट्रैकिंग पे जाके मजा आता है, जैसे हमने गए बाहर घूमे तो एक माइंड फ्रेश हुआ, बट हमने देखा कि चार्जेस ज़्यादा थे, लोग अच्छे नहीं थे, बात करने में थोड़े लीडर्स का कुछ इशू था. यस, आपको सैटेलाइट्स दिखेंगे, एक टाइम में पाँच पाँच छः छः सैटेलाइट्स ऐसे शूटिंग स्टार्स जैसे प्लेन जा रहा है वैसे सैटेलाइट्स जाते हुए दिखेंगे. ऐप है, ऐप का मैं नाम बताऊंगा, आप सबको डाउनलोड करवाऊंगा, उसमें से भी आप देख सकते हो. अभी आप बैठे हो, थोड़ी देर में आप सोओगे, सोने के बाद नीचे कंफर्ट के लिए लेना कुछ, एंड ये रीजन में ही देखना है आपको, मैं बता रहा हूँ ये रीजन में, क्योंकि यहाँ पे मुंबई का पूरा पोल्यूशन है, ये पूरे नाइट रात भर चलते रहेगा ये लाइट पोल्यूशन, इसे कुछ नहीं है. यहाँ पे सी है, सी में इतना पोल्यूशन नहीं होता, जो बोट्स का हार्डली छोटा छोटा हेडलाइट्स और सिग्नल लाइट्स होता है, तो आपको पोल्यूशन नहीं दिखेगा. अभी ये जो रिसॉर्ट्स का भी हमारा लाइट्स है ना, ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, थोड़ा क्लाउड हट जाएगा, तो आपको ये क्वेश्चन मार्क मैंने सप्तऋषि दिखाया था बराबर, तो कुछ लोगों को ये बॉक्स करके और ये उसका थ्रेड ये काइट दिखता है, ऐसे होता है. इंडियन वालों ने उसे सप्तऋषि बोला है, बाहर वालों ने उसे काइट करके है. मैप को आपको बताऊंगा, चाइनीज नहीं, ग्रीक माइथोलॉजी में ये सारी चीज़ें हुई है, तो उसमें आपको सारी चीज़ें ए टू जेड बताई जाएंगी. मीटियोर्स गिरते हुए दिखेंगे, तो इसीलिए ये जो इवेंट मीटियोर शावर है, इसका नाम है ETA एक्वेराइट मीटियोर शावर. ETA का फुल फॉर्म क्या है ये भी मैं आपको पूछूंगा, ओके. ETA एक्स्ट्रा टेरिटोरियल IA का आपको ढूंढना है, सब चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, आप गूगल कीजिए या फिर आप पूछिए या फिर हमारे प्रोफेसर्स बजब बताएंगे, तब आप ध्यान रखिए. मैं सुबह 6 बजे कुछ चीज़ें पूछूंगा, अभी क्या करना है मैं बताता हूँ, सबको सोना है, सो के ऊपर देखना है बस, धीरे धीरे लाइट्स बंद होगी, ये जो फ्लैश लाइट है ये भी अभी नहीं होगी, सिर्फ लेज़र ऑन होगा. उसके पहले थोड़ा और इन्फॉर्मेशन के लिए, सबके मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके स्टेरेलियम करके ऐप है, जिसमें आपको स्टार पॉइंट करोगे स्काई की तरफ तो कहाँ पे कौन सा कॉन्स्टिलेशन है वो पता चलेगा. अब मैं क्यों स्टार फॉल हो रहेगा सब ऊपर देखेंगे, अभी यहाँ पे एक फॉल हुआ स्टार, आपको मोस्टली यही रीजन में दिखेंगे, मैं वो भी बताऊंगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे बोला मैंने पॉल्यूशन है, और जब ऊपर से वो एंट्री करता है, एंट्री करके जब ऐसे दूर जाता है ना, तब ये जैसी लाइन दिख रही है देखिए आपको लेजर का, वैसे वो यहाँ पे अच्छे से विजिबल होता है. तो यही पैसेज में देखना आप पूरी रात, यहाँ ये पैसेज में अगर आपको 500 दिखेंगे तो यहाँ पे 50-100 समथिंग दिखेंगे, तो ज़्यादा चांसेस यहाँ पे है, ओके. So, यहाँ पे देख सकते हैं काफी जानवर दिख रहे हैं, शो दैट ये क्या है बुल, इसलिए उसको कोई लेके नहीं आता, कॉकरोच समथिंग, ये क्या है, ये लड़की कौन है, भूत ये गैलेक्सी क्या दिखा रहा है यार, लिब्रा सी स्कॉप, ओ वाओ दिस इज अमेजिंग, दिस वन इज अमेजिंग, वाओ वाओ व्हाट अ प्रॉपर सजिटेरियस. नेक्स्ट और कॉन्स्टिलेशंस नहीं दिखते, उससे नेबुलास दिखते हैं, व्हाट इज नेबुला वो भी मैं बताऊंगा, गैस होता है, वो सब बाद में की बात है, ओके. अभी वहाँ पे नहीं जाएंगे, इसलिए तो नॉर्थ पोल में जब भी रूम और मैं बिना परमिशन के लाइट नहीं थी प्लीज, और मुझे एस्ट्रोनॉमी मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ जो मेरी स्टोरीज आपके पास. और कुछ काफी मजा आ रहा है, वन टू थ्री बंद करता हूँ, सभी लोग विश मांगो, मस्त लगा, पहले मांगने लगा टूटता हुआ तारा, मस्त लगा, मांग लो, अरे बोलते ही रहो मन में. सो अभी 3 टूटता हुआ तारा मैंने देख लिया है,
ये मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग था क्योंकि बस ये फिल्म में देखा है और ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। 3 विशेज ही मांगे जो पक्का पूरे होंगे और यहाँ पे देख सकते हैं 4:18 हो रहा है, वहाँ पे लेंस वेंस अपसेट हो रहा है ताकि हम लोग सैटेलाइट देख पाए। लेट्स सी कितना देर और जगना पड़ेगा। हाँ हाँ ये वाला, हाँ हाँ जा रहा है सैटेलाइट। सो मैम क्या दिख रहा है आपको? मुझे स्टार दिखाई दे रहा है। वाव, हाउ आर यू फीलिंग? दिख रहा है ना बहुत सारे? यहाँ पे लोग थक हार के सो चुके हैं लेकिन हम अभी तक जगे हुए हैं सैटेलाइट दिखने के लिए। और यहाँ से हमें पगोड़ा दिख रहा है जो उस साइड में है और उल्टा दिख रहा है। आपको दिख रहा है मैम? दिख रहा है ना पगोड़ा? Where are they up to? This is something amazing. Yeah. Lots of stars moving together. Oh my god. ये स्टार ही है ना? Yes, they are stars. My god, amazing. It's so beautiful. It can be captured. दिखा मार्स? लाइट मारो ये नहीं दिखेगा। मार्स दिख रहा है ना? Yes, अभी हमें मार्स दिख रहा है यहाँ पे। अब सैटर्न भी दिखेगा और इधर नेपच्यून भी दिखेगा। Let me see. थोड़ा ये साइड है। अरे बंद करो। ये भी 30 mm है। ये जो आपने लगाया वो 30 mm है। नहीं निकल आता 30। सनराइज ऑलमोस्ट होने वाला है, वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लोग सैटर्न देख रहे हैं भाई। एंड मैं फोटो दिखा दूँ मत सो, अब क्या सो गए? मैं दो वेगा स्टार। अरे आजू बाजू मस्त स्टार जैसे। यहाँ पे ये लोग वेगा स्टार देख रहे हैं भाई। वेगा स्टार सुबह सुबह वेगा स्टार मून हालत नहीं पीछे आज ना हालत है मून ना दा हां बड़ा 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 मून मून बगल है जाम मजा आ गया। ओ यस ओ यस मून आया ही नहीं मून आया ही नहीं सो यहाँ हमारे साथ हैं अनलिमिटेड ट्रेकर के मालिक और सबसे यंग ट्रैक कंपनी चलाने वाले प्रथम। तो आप क्या बोलना चाहेंगे गाइस? हमने आप लोगों से पूछिए, हमने यहाँ पे मीटियर शावर देखा, स्टारगेजिंग सेशन हुआ, मजा किया सबने, कॉन्स्टिलेशंस जो है वो एक्सपीरियंस किए, सैटेलाइट देखे, स्टारलिंक का पूरा सेट ऑफ सैटेलाइट देखा। एंड ये हमारे पीछे बैठे मैडम्स बताएंगे। गाइस कैमरामैन प्लीज मैडम के पास कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हाय, तो मैंने आज देखे बहुत सारे कुछ सीखने मिला मेरे को यहाँ पे आके और स्टार्स गंदा था, गंदा मैडम ने गंदा डापा था। तो कुछ नया देखा ना आपने? हाँ। क्योंकि बाकी ट्रैक में देख सकते हैं यहाँ पे काफी लोग सो भी रहे हैं, काफी ट्रैक में मतलब बस घूमते हैं, लेकिन ये कुछ अलग एक्सपीरियंस था। मैडम सैटर्न देखा, आप क्या बोलना चाहोगे? वाओ इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, गैलेक्सी के बारे में पता चला और टूटता हुआ तारा देख लिया और मांगा विश। और आप सोते हुए इंसान आप क्या बोलना चाहोगे? चलो आज हम लोग वो सो गए, उन लोग ने कुछ इधर चलाते स्टारगेजिंग सेशन था हमारा मीटियर शॉवर वाला, कैसे लगा आप क्या बोलना चाहोगे? गाइस यू नीड टू कम हियर अगेन एंड अगेन, दिस इज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई लव इट, थैंक यू। स्टारगेजिंग गोराई में, मलाड गोराई में जो हमारा मीटियर शॉवर हुआ था उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। आपको मीटियर शॉवर दिखे? हाँ दिखा, बहुत मजा आया। सैटर्न भी दिखा, मार्स भी दिखा। स्टारगेजिंग बाय प्रोफेसर कैसा था आपको सेशन? बहुत अच्छा था। आपको लगता है मुंबई से स्टारगेजिंग पॉसिबल है? हां ऑफ कोर्स। ओके मैम, थैंक यू सो मच। किसी को आप आगे रिकमेंड करना चाहोगे? हां ओके मैम। एंड कैसे था? सो फाइनली हमारा यहां पे स्टारगेजिंग का ये जो इवेंट था वो खत्म हुआ, काफी मजा आया, काफी
सारे तारे वारे दिखे, तीन चार टूटते हुए जो मुझे कभी भरोसा नहीं था मैंने देख पाऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे विश मांगे, होप से वो पूरा हो। फिर मर्करी दिखा, सैटर्न दिखा, और बीच में मैं लाइट इसलिए नहीं जला रहा था क्योंकि हमें बोला गया था कि सब कोई फुल डार्क करे ताकि और अच्छे तरीके से व्यू आए, इसलिए डार्क करके हमें सब समझाया जा रहा था। स्टार के बारे में बहुत कुछ जाना, क्या कितने टाइप्स के होते हैं, क्या कुछ होता है, ब्लैक होल क्या होता है, बहुत सारी जानकारी देखने को मिली। सो ये फर्स्ट टाइम था और मुंबई में भी ये पॉसिबल है, इस चीज़ को अनलिमिटेड ट्रैकर ने दिखाया और आगे भी ये इवेंट होते रहेगा। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप इनके कंपनी को डायरेक्ट इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हो। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, हर हर महादेव।